जाफरान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्लॉसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अमृत नगर हजरत फखरुद्दीन शाह बाबा दरगाह परिसर में नाले का गंदा पानी आ रहा है, मगर इस पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि दरगाह परिसर से लगकर ही एक नाला गया हुआ है और नाला पूरी तरह से कचरों से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से नाले की दीवार में चूहों ने सुराख कर दिया है और इसी वजह से इस नाले का गंदा पानी दरगाह परिसर में आ रहा है। मगर इस न्यूज़ को कवर करने के दौरान दरगाह परिसर में मौजूद कई लोगों ने बताया कि दरगाह परिसर में काफ़ी दिनों से ये गंदा पानी आ रहा है, मगर ना ही इस पर ट्रस्ट ध्यान दे रही है और ना ही स्थानीय नगर सेवक। मगर जब हमने नगर सेवक शानू पठान से इस पर जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि दरगाह परिसर काफ़ी नीचे है और दरगाह का काम भी शुरू है और जो नाला है वो दरगाह परिसर से ऊपर है, इसकी वजह से नाले का गंदा पानी दरगाह परिसर में आ रहा है। ट्रस्टी नईम खान से इस पर बात कर दरगाह परिसर की भरनी करने का काम किया जाएगा और अभी जो नाले का गंदा पानी आ रहा है उसे रोकने के लिए नाले को साफ कराना जरूरी है। वैसे तो विरोधी पक्ष नेता शानू पठान नगर सेवकों के वार्ड में दौरा कर जायज़ा लेते हैं कि किस तरह से गटर नाले का काम यहां आधा अधूरा पड़ा है, उन्हें पूरा करने का काम करने की कोशिश में है। ऐसे में उन्हीं के वार्ड में नाले से गंदा पानी दरगाह परिसर में आ रहा है, इस पर शानू पठान ने क्या कुछ कहा है सुनिए। शानू भाई, जो फखरुद्दीन शाह बाबा का दरगाह है वहाँ परिसर में कुछ गटर नाले का पानी आ रहा है, कई दिनों से वहाँ के लोग परेशान हैं, बोले शिकायत भी की गई लेकिन उसके बावजूद जो है इसका काम नहीं हुआ अभी तक। देखिए, ऐसा है कि वहाँ की शिकायत मुझे मालूम है कि पीछे नाला है और गटर भी है, लेकिन हज़रत फखरुद्दीन शाह बाबा का जो मज़ार है और जो आस्थाना के बाजू में जो परिसर है वो नीचे, बहुत नीचे, बहुत पुराना सालों से, और गटर ऊपर है। और जब तक के वहाँ की जो दरगाह है उसके नीचे जो आस्थाना है, उसके नीचे पैसेज है, उसको ऊंचा नहीं करेंगे, गटर का पानी आते ही रहेगा क्योंकि स्लोप है। गटर ऊपर है और आस्थाना का जो नीचे का परिसर है वो नीचे, और साथ ही में कोविड के कारण 2 साल आप जानते हैं कई लोगों का काम भी नहीं हुआ। मैंने तो महानगर पालिका से ये पत्र व्यवहार किया हूँ, मांगनी किया हूँ कि उस गटर को दोबारा बनाया जाए और उस आस्थाने के नीचे किया जाए, लेकिन चारों बाजू के जो बिल्डिंग का परिसर है वो सब हाइट हो चुकी है और आस्थाना जो है वो दरगाह का नीचे हो चुका है। माननीय नईम खान जी वहाँ के ट्रस्टी अध्यक्ष है, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोले हम इस पर मिलकर कुछ काम करेंगे, और नहीं हुआ तो मैं उनसे बात करके आस्थाना को भी ऊँचा करने के लिए और नया गटर कराने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, आने वाले वक्त के अंदर वो काम होना चाहिए। नहीं, नाला भी साफ़ नहीं है और जो अगर फ़िलहाल के लिए जो भरनी होगी वहाँ ऊंचा होगा वो बात अलग है, कब होगा टाइम है उसमें, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो गटर का पानी वहाँ पर आ रहा है, जो दीवार है उसके अंदर से वो पानी आ रहा है, तो क्या उसे बंद नहीं किया जा सकता हाल फिलहाल? आप समझिए ना, उस दीवार वो जो है वो जमीतुल मुस्लिमीन की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर अगर कुछ काम करना है तो उनसे बात करना पड़ेगी। हम गटर को साफ़ कर सकते, लेकिन अगर आस्थाना इस तरफ से काम करना है तो जमीतुल मुस्लिमीन के ट्रस्ट से मैं बात करूंगा। और आपने जो बोला है उसका गटर बनाने के, न्यू गटर बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी प्रस्ताव डाला हूँ, बहुत जल्द उस पर अमल बजाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कोविड के कारण रुका है। दो चीज़ें, या तो पूरा करोड़ रुपये का गटर तोड़ के आस्थाना के नीचे उसका डालना पड़े, और ना या तो फिर आस्थाने जो दरगाह है उसके नीचे का जो पैसेज है उसको ऊँचा करना पड़े। दो उपाय पर यह मामला ख़त्म होगा, मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त पे ऊपर ये दोनों काम जल्द से जल्द होंगे। मैं तो इसका मतलब जो हाल फिलहाल में है, जब तक गटर नाला नहीं बनता है या आस्थाना ऊपर नहीं होता है तब तक वो पानी वहाँ परिसर में आएगा? जब तक के नाला पूरा बनेगा नहीं, जब तक के आस्थाना ऊपर होगा नहीं, उसका पानी का उपाय करने का एक ही तरीका है,
बार बार उस नाले को हर 8 दिन में सफाई करो, हर 2 दिन में सफाई करो। आज हम बंद कर देंगे तात्पुर तक टेम्परवरी, लेकिन फिर वो बारिश में या कभी आउटलेट फुल हुआ तो पानी ऑटोमेटिक जहाँ स्लोप है कुदरती पानी वहाँ जाता है दौड़ के। हमेशा पानी स्लोप की जगह बिताता है। लेकिन मैं वापस आपको बोलता हूँ कि इस गटर को मैंने बजट के अंदर तत्व करने की मांगनी किया है हूँ, और माननीय नईम खान जी के साथ मिलके ट्रस्ट जो आस्थान है उसको ऊँचा लेंगे या फिर गटर को नीचा लेंगे, और गटर को हम तुरंत 8 दिन के अंदर, हर 8 दिन में सफाई तो होती है 15 दिन में, लेकिन हर 2 दिन बीच सफाई होना चाहिए, तभी जाके इसका सोल्यूशन हो सकता है। जल्द से जल्द इस काम को सोल्यूशन करने की पूरी तरीके से मैं कोशिश करूँगा। वैसे तो शानू पठान ने कहा है कि इसका काम जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा, मगर सवाल उठता है कि आखिर इतने दिनों से दरगाह परिसर में नाले का गंदा पानी आ रहा था तो इस पर काम पहले क्यों नहीं किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आखिर इसका काम पूरा कब होगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।